नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गंगा पूजन के साथ शुरू हुई विश्व के सबसे बड़ा सफाई अभियान उत्तर प्रदेश जनपद प्रयागराज आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के चलते प्रयागराज के संगम के पावन भूमि से विश्व के सबसे बड़े सफाई अभियान का शुभारंभ किया गया। इस शुभारंभ के दायित्व भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संगम तट पर गंगा आरती के बाद शुरू किया। अनुराग ठाकुर द्वारा इस अभियान का शुभारंभ करने के साथ ही अगले एक महीने प्रयागराज से लेकर पूरे देश के लगभग 6 लाख गांव से 75 लाख किलो प्लास्टिक कचरा, जिसमें गुटके, टॉफी के रैपर, चिप्स, बिस्कुट के पैकेट और अन्य प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया जाएगा। 2019 में कुंभ मेला प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़े सफाई अभियान का कीर्तिमान बनाने का संकल्प लिया, जिसकी शुरुआत 1000 से ज्यादा सफाई कर्मियों द्वारा पूरे संगम क्षेत्र में सफाई कार्य करके किया गया था। उसके बाद कोरोना की वजह से यह अभियान रुक गया। अब एक बार पुनः सफाई अभियान 2.0 के तहत 75 लाख किलो प्लास्टिक कचरा बटोर कर एक विश्व रिकॉर्ड कायम करने के साथ ही विश्व के सबसे बड़े सफाई अभियान के तहत अब तक की सबसे ज्यादा प्लास्टिक बटोरने का कार्य किया जाएगा। इस विषय में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री भारत सरकार अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रयागराज से शुरू किए जाने वाले इस अभियान के तहत पूरे देश के 6 लाख गांव को जोड़ा जाएगा। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब तक की जितने भी अभियान या सफाई चलाए गए वह शहरों तक सिमट गई, लेकिन जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में यह अभियान चलाते हैं या लेकर जाते हैं तो इसका असर कई महीनों में अलग अलग क्षेत्रों से एवं समुदायों में पड़ता है और स्वच्छता लेकर जागरूकता ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार होती है, वहां आगे जाकर शहरों को भी प्रभावित करती है। संगम संस्कृति संस्कार की यह धरती प्रयागराज नगरी, जहां देश के कोने कोने से करोड़ों लोग गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया के आशीर्वाद लेने आते हैं, एक डुबकी लगाकर जहां अपने माँ का आशीर्वाद लेते हैं, वहीं पर संगम के इस किनारे से आरती करने के बाद मैं पूरे देश भर के लोगों से आह्वान करता हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े, गंदगी मुक्त भारत बनाए। जिस तरह से युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक देश भर में स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया है, 75 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट और कूड़ा देश भर के कोने कोने में गांव-गांव में जाकर एकत्रित करेंगे, स्वच्छ भारत बनाने का संकल्प लेंगे। आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों ने तो स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था, बलिदान दिया था। आज के युवाओं से हम, आज के नागरिकों से स्वच्छ भारत अभियान में उनका योगदान मांगते हैं। आपको बलिदान देने की आवश्यकता नहीं, केवल योगदान देने की आवश्यकता। कोई संग्राम नहीं करना है, केवल स्वच्छता अभियान से जुड़ना है और जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाएंगे, स्वच्छ भारत बनाएंगे। महात्मा गांधी जी की सोच को अमली जामा नरेंद्र मोदी जी पहना रहे हैं। स्वच्छ भारत 2.0 मिशन को भी जारी किया है और मेरा पूर्ण विश्वास है देश की जनता जितनी जागरूक होगी उतनी गंदगी कम फैलेगी। आज जन जन में, बच्चों बच्चों में एक भावना जगी है, इसको और जगाना है। अगर जापान की फुटबॉल टीम और वहां के दर्शक रशिया में जाकर स्टेडियम को साफ कर सकते हैं, ड्रेसिंग रूम को साफ छोड़कर जा सकते हैं, तो हम अपने ही भारत के अंदर, अपने ही गांव, अपने ही इलाकों को क्यों साफ नहीं कर सकते? आखिरकार हमें कुछ भी खाकर सड़क पर फेंकने की क्या आवश्यकता है? कूड़ेदान का उपयोग करें या फिर घर पर आकर कूड़ेदान में डालें। अगर हर नागरिक जागरूक हो जाएगा तो स्वच्छ भारत अपने आप हो जाएगा, लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक जन जन को जुड़कर जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाना है, स्वच्छ भारत से सशक्त और स्वस्थ भारत और सुंदर भारत बनाना है। खास रिपोर्ट माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज से राजेंद्र पांडे, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज, आवाज आपकी सुरक्षा।